बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई हमें देखने वाले हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं और हमारी दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें बाद रहें। और इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। आज का व्लॉग नहीं है तो आज हम अपने बहुत सी हमारी बहनें कहती थी कि आप कभी मेकअप करवाएं और उसकी जो वीडियो हम हमारे साथ शेयर करें, तो आज हमने सोचा है कि अपना मेकअप मैं करवाती हूं और आप अपनी बहनों से शेयर करती हूं कि आज मेकअप बगैर मेकअप के मैं कैसे लगती थी और मेकअप में कैसे लगती हूं, क्योंकि मैंने कभी भी मेकअप नहीं करवाया, मेकअप की वीडियो नहीं बनाई मेकअप करके, मतलब खुद तो कर लेती थी थोड़ा बहुत, तो कभी मैंने पार्लर वाले से नहीं करवाया, तो आज पार्लर वाले से मैंने मेकअप करवाना है। शादी के बाद मेरा ये पहला पार्लर वाले से मेकअप होगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मेकअप में कैसे लगती हूँ। तो गांव में आपको पता है कि ज़्यादा जो है मेकअप वाली नहीं होती, मेकअप करवाने वाली बस थोड़ा बहुत करवाती हैं, वो खुद ही घर में अपना जो है अपनी सहेलियों से करवा लेती हैं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और पूरी देखनी है, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत ही स्पेशल मेकअप है रहीमयार खान, क्योंकि बड़ा शहर है तो इसमें मेकअप भी स्पेशल होता है, तो इस वजह से हम बताएंगे कि कौन कौन सी हम चीज़ जो है अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे और आपको बताएंगे, और फिर अगर आपको भी अच्छा लगे तो आपने ये चीज़ें लेके घर में रख लेनी है, और शादी पे अगर फंक्शन पे जहाँ पे भी जाएँ तो ये चीज़ें आपने अप्लाई करनी है। आपको पता है कि जब पार्लर वाली कोई चीज़ लगाती हैं तो वो नहीं शेयर करती कि हम ये चीज़ अप्लाई करी हैं ये चीज़ अप्लाई करी हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि हम कौन कौन सी चीज़ अपने फेस पे लगाते हैं और चेंजिंग कैसे लेके आती हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, ये कोई भी बेस अप्लाई करने से पहले मॉइस्चराइजिंग का यूज़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ड्राई है, सर्दी है, इसकी वजह से ड्राई स्किन हो जाती है और फिर उससे ना ड्राइनेस बेस जो है ना वो फटनी शुरू हो जाती है। इससे पहले हम ना मॉइस्चराइजिंग यूज़ करेंगे। कोई भी मॉइस्चराइजिंग आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छा हो, ब्रांडेड हो, तो इसलिए ना हम अब पहले जो मॉइस्चराइजिंग यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद अब ये हम बेस यूज़ कर रहे हैं, ये शेफर की बेस है, एवरी कलर है और शेफर की बेस है, वाटर प्रूफ है, ठीक है। हम लिक्विड में थोड़ी सी इसका फाउंडेशन लेके और इसको लिक्विड में इस्तेमाल करेंगे, इसमें वाटर डालेंगे, वाटर डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद हम फेस पे अप्लाई करेंगे। कोई भी बेस अगर फेस पे अप्लाई की जाए उसको पहले एक साइड से बिल्कुल कंप्लीट कर लेते होते हैं, ताकि दूसरी साइड पे बेस लगाई हुई ड्राई ना हो जाए। जब वो एक साइड बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, बेस बिल्कुल सेट हो जाए, फिर दूसरी साइड पे जाना चाहिए। कि मैंने पहले कभी पार्लर से मेकअप नहीं करवाया, ठीक है, फर्स्ट टाइम मेकअप करवाने लगी हूँ, इसलिए हमें इसकी बेस की लुक थोड़ी थिक देनी होगी ताकि पता चले कि ये पार्लर से रेडी हुई है। इसके बाद हम ये अप्लाई कर रहे हैं, ये है ड्राई पाउडर, ठीक है, ये हम बेस के बाद इसलिए अप्लाई करते होते हैं ताकि हमारी बेस जो फटे ना और ये ऑयली होने की नस्बत उतरे ना फेस से, जगह जगह पे जो रिंकल पड़ जाते हैं वो ना वाजे हों। इसके बाद हम आईब्रो को सेट करेंगे, आईब्रो की शेप जो है वो हम ठीक करेंगे और अच्छा करके उसको ना सेट कर देंगे। जब भी आईब्रो की शेप देनी होगी हमें हमेशा आईब्रो को इस जगह से ऊपर करना होगा, उससे फिर शेप जो वो अच्छी आती है। ये हो गया। अब इसके बाद हम आईज का बेस जो है वो सेट करेंगे, उसके बाद हम आईज मेकअप स्टार्ट करेंगे।
जस्ट गोल्ड की किट है, ठीक है, इसमें से हम मेकअप इसका अप्लाई करने लगे हैं और हम सबसे पहले वाइट शेमर लगाएंगे इसके फेस पे, ठीक है। और हम ना ये हाथ से अप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि ये जो हाथ से मेकअप होता है ये सबसे बेस्ट होता है मेकअप की, वो ब्रश से मेकअप, ब्रश जो होती है उनसे इतना अच्छा मेकअप नहीं होता जितना हाथ से अच्छा अप्लाई होता है। आई शेड किट होती है, ठीक है, इसको हम लिक्विड पानी लगाते हैं, थोड़ा सा पानी लगाने के बाद हम इस पर फिर अप्लाई करते हैं ताकि इसकी जो शेडो की ओरिजिनल लुक हो ना वो नज़र आ जाए। हाइलाइटर हमेशा इस फिंगर से लगाना चाहिए। और इस जगह पे सिर्फ लगाना चाहिए, इस जगह पे। अच्छा अब हम ये हाइलाइटर लगाने लगे हैं इस जगह पे, ठीक है, हल्का हल्का। और ये ना समीना बाजी जो हैं ये विलेज में रहती हैं और ये अपनी जो स्किन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती और कम से कम चाय बहुत ज़्यादा पीती हैं जिसकी वजह से इनकी स्किन जो है और रंगत जो है वो सारी जल चुकी है, तो इस वजह से इनके फेस पे कोई बेस अभी सेट नहीं हो रही थी, तो इसलिए हमने फिर इनकी बेस जो है वो चेंज की है। ये लगा रही हूँ ब्लश ऑन, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं ब्लश ऑन भी मैं हाथ से अप्लाई करूँगी, ठीक है, और मैं हल्का ऑरेंज और पिंक कलर जो है वो ना कंट्रोल इकट्ठा मिक्स करके तो वो कंट्रोल करूँगी इनके लिए। इसको हमने ना ऐसे ही कर करके ना सेट कर देना है हाथ से, हमें ब्लश और ब्रश की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। हल्का सा ब्लश ऑन जो है वो हम नोज़ पे भी देंगे। ये हमने ज़मीना बाजी का मेकअप जो है ना हमने बहुत लाइट किया है, ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि इनकी स्किन जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा डार्क करते तो वो फिर थोड़ा ओवर लगना था, क्योंकि स्किन का भी होता है स्किन थोड़ी अच्छी हो नीट हो, इन्होंने अपनी स्किन जो है वो बहुत ख़राब की हुई है धूप में बैठ के, धूप की वजह से कुछ गाँव की वजह से कुछ आबो हवा वहाँ की वैसी होती है जिसकी वजह से ना इनकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई हुई है, ठीक है, इस पर कोई चीज़ जो है वो सेट नहीं हो रही, लेकिन इनको मेकअप का शौक था तो हमने फिर कर दिया। अब हम आते हैं लिपस्टिक की तरफ। अब आप इस पे हम ना रेड कलर लिपस्टिक अप्लाई करेंगे, ठीक है, लिपस्टिक
ब्राउन कलर की आउटलाइन है जिसे हम इसके होंठों की पहले शेप बना लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। अब हम इसके थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई करेंगे लाइट सा। हम इनका हल्का सा जो हेयर स्टाइल बना रहे हैं और वो उसे क्या कहते हैं, ये पार्टी वे की तरह पार्टी वे से ही अभी हम इनको बनाएंगे इयररिंग्स। अच्छा, अब ना ये हो गया एंड इसका और हम लगा रहे हैं इनके बिंदिया। ठीक है, बिंदिया लगाने के बाद फिर इनकी लुक देखते हैं कि कैसी लगती है, और आप भी बताइएगा कि कैसी लगती है। और ये बिंदिया लगाने का एक न्यू तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसमें से हमने ऐसे करके सुई उजानी और धागा होगा साथ। ठीक है, और इस धागे को हम इस तरीके से लेके जाएंगे, बिंदिया इस तरीके से हम इनकी सेट करेंगे। ये न्यू तरीका है बिंदिया को सेट करने का। ओके, ये देखें। ठीक है, ये बिंदिया हमने जो सेट करनी है वो हमने इस तरीके से सेट करनी है। तो जी प्यारे बहन भाई, इसने तैयारी जो है ना वो कर ली है, तो सब कहते हैं कि मेरे मोबाइल का रिजल्ट नहीं है। तो मैं भी इसको यही कहती हूँ कि आपका मोबाइल जो थोड़ी सी वाइट है, मेरा कलर वो बिल्कुल ब्लैक दिखाता है। तो नहीं, असल में पता है क्या है, ये जो मोबाइल है ना, इसकी इसके कैमरे के अंदर जरा सा भी निशान आ जाए ना तो ये वाज़े दिखाता है। मतलब हर चीज़ को नीट और क्लियर दिखाता है। ये फिल्टर वगैरह इसमें नहीं है ना, ये आईफोन है। हाँ जी, तो पार्लर वाली सिस्टर ने मुझे आज फिर चेंज कर दिए है। पहले शादी पे किया था मेरी, तो ये दूसरी दफ़ा इनसे मैंने मेकअप करवाया, तो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने किया है। ये स्पेशली मैंने इनको पहले इनकी सिस्टर थी ना, उनका पार्लर है। हाँ, ये भी करती हैं मेकअप। अच्छा अच्छा, हाँ तो इनका भी है पार्लर, मतलब सभी बहनों ने सीखा हुआ है और करती हैं। तो एक दफ़ा फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आपने आना है हमारे घर, और ये हमारे घर आई और इन्होंने मुझे तैयार किया।
तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो अपने नीचे हैं तो हम ऊपर बनाने के लिए आए हुए हैं वीडियो। तो ये स्पेशली मैंने इनको अपने घर बुलाया था कि आपने मेरे मेकअप करना है, और मैंने वीडियो जो है वो अपनी बहनों को स्पेशली दिखानी है कि मेकअप रिहमेयर का कैसा है। तो आपने फिर कमेंट्स में बताना है कि मेरा मेकअप क्या कैसे हुआ है। वीडियो में मैं वैसे सादा सी जैसे ही होती, मतलब घर में रूटीन हम शेयर करते थे, तो जैसे मैं घूम रही होती थी वैसे मैं वीडियो बना लेती थी। तो आज मैंने तैयारी की है और फिर आपने बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।